हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शारदा क्लासेस पे। मैं कुमारी शारदा, आप सभी की ट्यूटर। तो जैसा कि मैंने आप सभी को इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि मेरे चैनल पे आपको क्लासेस 6 to 8 के इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल होंगे एंड क्लास 9 के इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस के सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो आज हम अपनी जर्नी का एक गुड स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस जर्नी में हम सबसे पहले कवर करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो आप सब जानते हैं क्लास 6 के इंग्लिश में दो बुक्स हैं। एक है आपका मेन बुक जो कि है हनीसकल एंड द सेकंड वन इज योर सप्लीमेंट्री रीडर जो कि है अ पैक्ट विद द सन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के मेन बुक हनीसकल का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन, दैट इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जिसकी हमारी राइटर है कैरोल मूर। Who did Patrick's homework? Carol Moore. तो ये Who did Patrick's homework ये जो टाइटल है, हमको इसी से पता चल रहा है कि ये स्टोरी में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पैट्रिक नाम के बॉय के बारे में। ये जो पैट्रिक नाम का बॉय है, इसका होमवर्क किसने किया, ये हमको इस स्टोरी में पता चलने वाला है। तो इसको हम 10 की पॉइंट्स के बेसिस में समराइज करने वाले हैं। और आप अगर ये समरी पढ़ लेते हो तो आपको बुक से स्टोरी रीड करने की जरूरत भी नहीं होगी। आप एग्जाम से पहले ये समरी पढ़ के जाओगे, इजिली सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट की पॉइंट के साथ। सबसे पहला की पॉइंट, पैट्रिक हेटेड टू डू होमवर्क। पैट्रिक एक ऐसा बच्चा है जिसको होमवर्क करना बेहद ही ज्यादा नापसंद है। उसे होमवर्क करना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। उसे टीचर्स कितना ज्यादा बोलते हैं कि तुम होमवर्क कर लो तभी तुम कुछ सीखोगे, बट स्टिल वो होमवर्क नहीं करता। उसको कभी कभार क्लास में बहुत ही ज्यादा इग्नोरेमस फील होता है, मतलब इस तरीके का कि टीचर्स उसको छोड़ के दूसरे बच्चों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पढ़ता नहीं है, बट स्टिल उसे होमवर्क करना नहीं पसंद। वो केवल खेलने कूदने में बिजी रहता है। उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद है, हॉकी खेलना पसंद है, निंटेंडो खेलना पसंद है। निंटेंडो यहाँ पे एक वीडियो गेम का नाम बताया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट की पॉइंट, पैट्रिक फाउंड एल्फ। छीन लिया, बट उसके बाद उसने देखा कि वो जो डॉल है वो सरप्राइजिंगली बातें कर रहा है, बोल रहा है कुछ, एंड वो बिल्कुल इंसानों जैसा है दिखने में। उसकी आंखें हैं, उसकी मूछें हैं, उसका नाक है, उसका मुंह है, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे इस कैट से बचाओ, बचाओ, मुझे इस कैट के पास वापस मत भेजना, तो मेरे से जो भी विश मांगोगे मैं उसे पूरी कर दूंगा। उसने देखा कि वो जो एल्फ था उसने ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहने हुए थे, मतलब कि ट्राउजर्स पहने हुए थे, और उसके सिर पर बहुत ही ज्यादा लंबा सा हैट था जैसे कि मैजिशियंस विचेस के सिर पर होता है। तो आपका थर्ड की पॉइंट है, पैट्रिक विश्ड एल्फ टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। तो ये जो आपका थर्ड की पॉइंट है, इसमें हमको क्या पता चला कि पैट्रिक ने एल्फ से विश मांगी। क्या विश मांगी? कि वो उसका होमवर्क कंप्लीट कर दे। जैसे ही एल्फ ने ये बात बोला कि तुम मेरे से जो भी विश मांगोगे मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा, ये बात सुन के पैट्रिक अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी फील करने लगा। उसने झट से क्या विश मांगी, ये विश मांगी कि एल्फ तुम मेरे सारे होमवर्क्स कंप्लीट कर दे तब तक जब तक कि मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। सेमेस्टर इज अ पीरियड ऑफ 6 months, मतलब कि ये क्या होता है, 6 महीनों का टाइम। अब इसका सेमेस्टर खत्म होने में 35 डेज बचा हुआ है। तो इसने ऐसा विश मांगा कि मेरे को 35 डेज में जो भी होमवर्क मिलेगा वो सब कौन करके देगा, अब एल्फ करके देगा। मूविंग टू द फोर्थ की पॉइंट, रिएक्शन ऑफ एल्फ टुवर्ड्स पैट्रिक्स विश। उसका मुंह बिल्कुल वैसा बन चुका था जैसे हम बर्तन धोने वाले कपड़े को फेंकते हैं ना, जैसे वो सिकुड़ा हुआ हो जाता है, बिल्कुल एल्फ का मुंह भी वैसे ही सिकुड़ चुका था। उसने अपने पैर को बहुत ज्यादा जोर से पीटा, और मतलब इससे हमको क्या पता चल रहा था कि एल्फ का डिसअप्रूवल वाला रिएक्शन, यानी कि उसको होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट स्टिल उसने प्रॉमिस किया है तो उसको होमवर्क करना पड़ेगा। मूविंग टू द फिफ्थ की पॉइंट, लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। इस की पॉइंट में आपको क्या पता चल रहा है कि अब एल्फ ने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया।
हालांकि एल्फ बहुत ही ज्यादा नाखुश था पैट्रिक के विश को लेके, बट स्टिल उसने बोला था तो उसको करना पड़ेगा वो विश कंप्लीट। तो उसने अब होमवर्क करना स्टार्ट किया। अब एल्फ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो सारे प्रॉब्लम सारे डाउट किससे क्लियर करवा रहा था? पैट्रिक से क्लियर करवा रहा था। अगर उसको कोई वर्ड समझ में नहीं आता था, वो बहुत जोर से चिल्ला के बोलता था, पैट्रिक जाओ डिक्शनरी लाओ, ये वर्ड एकदम जोर से पढ़ के सुनाओ मुझे और फिर मैं इसके मीनिंग्स को लिखूंगा। तो इस तरीके से उसने डाउट्स वगैरह क्लियर किए। मूविंग टू द सिक्स्थ की पॉइंट, एल्फ इन ट्रबल व्हाइल डूइंग मैथ्स। आपका सिक्स्थ की पॉइंट है एल्फ इन ट्रबल व्हाइल डूइंग मैथ्स। तो जैसा कि हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में मैथमेटिक्स का यूज है, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन डिवीजन ये सारा कुछ करते हैं, वैसे एल्फ के वर्ल्ड में ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होती। तो ये सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स देख के एल्फ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो एकदम चिल्ला के बोला पैट्रिक को, जाओ लाइब्रेरी में जाओ, जितने हो सके उतने बुक्स लाओ और फिर एक एक करके मुझे सारे समझाओ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन डिवीजन कैसे करते, ताकि मैं तुम्हारे इस होमवर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। Moving to the seventh key point, Patrick started doing homework that is hard work. तो ये जो आपका seventh key point है, उसमें ये बताया गया है कि Patrick ने hard work करना start कर दिया, यानी कि मेहनत करना start कर दिया। जैसे कि पहले Patrick बड़े मजे से स्कूल जाता था, बड़े आराम से बस खेलने कूदने में लगा रहता था, अब वैसा नहीं है। अब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली रहती थी, वो रात को बैठ बैठ के होमवर्क करता था, एल्फ के सारे डाउट्स क्लियर करता था। तो इसीलिए इससे हमको क्या पता चल रहा है कि पैट्रिक धीरे धीरे करके लेजी से हार्ड वर्क की तरफ बढ़ रहा था। मूविंग टू द एट्थ की पॉइंट, लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। तो ये जो आपका एट्थ की पॉइंट है, लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, इससे हमको क्या पता चलता है कि सेमेस्टर का एंडिंग आ गया। और जैसा कि एल्फ ने कहा था कि ये विश उसका कब तक वैलिड है, जब तक सेमेस्टर का एंडिंग नहीं आ जाता, मतलब वो उसके सेमेस्टर के लास्ट तक ही रहेगा। तो अब एल्फ के वापस जाने का टाइम आ गया, तो एल्फ चुपके से घर के बैक डोर से निकल गया। अब हम नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नाइन्थ की पॉइंट है, पैट्रिक गॉट हिज एज। तो जैसा कि आज क्या है, पैट्रिक के स्कूल का लास्ट डे है, सेमेस्टर का लास्ट डे है, तो इन सब का क्या है, रिजल्ट निकलने वाला है। मतलब कि तो आज के रिजल्ट में क्या हुआ कि पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिल रहे हैं। तो इसके क्लासमेट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है कि इसको ए ग्रेड कैसे मिला। टीचर्स बहुत ही ज्यादा खुश है कि पैट्रिक को ए ग्रेड मिल चुका है, और इसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरीके से कि ये क्या हुआ, पैट्रिक को कैसे ए ग्रेड मिल सकता है। पैट्रिक के पेरेंट्स ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि पैट्रिक का जो अभी अपने लाइफ की तरफ एटीट्यूड है वो चेंज हो चुका था। पैट्रिक पहले जैसे ही बहुत ही ज्यादा रूड टाइप का रहता था, अब वो उतना ही ज्यादा चीयरफुल एक्टिव एनर्जेटिक हो चुका था। वो अपने रूम को एकदम क्लीन करके रखता था। अब वो एक क्या बन चुका था, एक मॉडल किड बन चुका था, दूसरे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल की इस तरीके का स्टूडेंट होना चाहिए। मूविंग टू द टेंथ एंड द लास्ट की पॉइंट, पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। तो ये जो आपका लास्ट की पॉइंट है, पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, इसमें हमको राइटर ने एक सीक्रेट बताया हुआ। वो ये बताया है कि ये जो होमवर्क है ये एल्फ ने नहीं किया, किसने किया, पैट्रिक ने किया। मतलब कि ये जो स्टोरी का आपका टाइटल था, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, किसने किया पैट्रिक का होमवर्क, पैट्रिक ने खुद ब खुद ही खुद का होमवर्क किया, बस इसको पता नहीं चला। एल्फ इससे जितने भी डाउट्स पूछ रहा था वो सारे किसने क्लियर किए, पैट्रिक ने। दैट्स व्हाई ही आल्सो गॉट ए ग्रेड इन हिज रिजल्ट्स। तो आपका स्टोरी यहीं पे एंड होता है। तो हमने जैसे कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क वाले चैप्टर को 10 की पॉइंट्स के बेसिस पे समराइज किया। ये 10 की पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड देन आफ्टर ये समरी से आपने एक चीज सीखा होगा कि ये सारे जो स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, पैट्रिक बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील करता था होमवर्क में, फिर एल्फ आया, एल्फ के सारे डाउट्स क्लियर करता गया, और एंड में जाके क्या पता चला हमको कि पैट्रिक खुद ब खुद ही खुद के होमवर्क करता था, इसलिए उसको रिजल्ट्स में क्या मिले, ए ग्रेड मिले। सेम वे अगर आप भी अपने क्लासेस में आपको जो भी होमवर्क मिलते हैं वो खुद ब खुद सॉल्व करते हो, बिना मतलब किसी बड़े का इस तरीके से हेल्प लेके खुद ब खुद सेल्फ स्टडी करते हो और होमवर्क सॉल्व करते हो, देन आफ्टर आपको भी अपने रिजल्ट्स में अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। और ये चैप्टर का समरी यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, एंड नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर का समरी स्टार्ट कर दूंगी। एंड मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।